वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारी राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है उनको अपने जो आईपीआर पढ़ने की यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पढ़ने की जो अंतिम तारीख थी वो आज थी यानी 31 मई थी और सभी लोग परेशान हो रहे थे। कई लोगों के आईपीआर है वो सबमिट नहीं हो पा रही थी कुछ टेक्निकल कारण से और कुछ जो भी आईपीआर पढ़ने में अलग अलग तरह की समस्या आ रही थी। तो इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आज एक नवीनतम आदेश निकाला है, तो एक नवीनतम अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का जो आज का नोटिफिकेशन है, परिपत्र है, ये 31 मई 2022 का है। इसमें लिखा है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 1351/1 गोपनीय जो प्रतिवेदन /2022 दिनांक 30/3/2022 और दिनांक 22/4/2022 के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के एसएसओ आईडी से राजकार सॉफ्टवेयर पर दिनांक 31 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया गया था। यानी आज इसकी अंतिम तारीख थी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दिशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाए जाने का प्रावधान किया गया था। तो ये आज लास्ट तारीख थी, आपको अपना जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन या जो एपीआर है वो सबमिट करना था। उक्त क्रम में राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने और ऑटो फॉरवर्ड या अप्रूवल किए जाने की समय सीमा दिनांक 31/5/2022 यानी आज की तारीख से बढ़ा करके 30/6/2022 यानी 30 जून तक की जाती है। और ये डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी संयुक्त शासन सचिव है, इनके हस्ताक्षर द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो इस तरह से ये ईपीआर भरने की जो भी तारीख है वो आपके बढ़ा दी है, एक महीना और बढ़ा दी है। अब इस संबंध में अगर आपके कोई समस्या आती है तो मैं जल्दी ही ईपीआर कैसे भरें उसके संबंध में वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए और अगर मेरे चैनल के जो भी कंटेंट है वो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।